सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने फरवरी माह में मेवात हरियाणा से परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत की थी और अभी तक ये यात्रा लगभग 8 जिलों में भ्रमण कर चुकी है। आज ये यात्रा अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में सोनीपत जिले में प्रवेश कर गई। सोनीपत पहुंचने पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा ने 8 जिले पूरे कर लिए हैं और ये यात्रा 1150 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। 29 विधानसभा हम कवर कर चुके हैं। हम अभी तक 500 से ज्यादा गांव में ये यात्रा लेकर जा चुके हैं और सभी गांव के ग्रामीण बोर्ड में बैठे हैं। कब चुनाव होगा और हम कब इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। हरियाणा की जनता इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार खड़ी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यह सरकार गठबंधन की सरकार नहीं बल्कि ठगबंधन की सरकार है। ये ठगों का गिरोह है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पंचायत विभाग में लाइब्रेरी बनाने के नाम पर ठेकेदार सरकार को चूना लगा रहे हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने के बाद सभी घोटालों की बारीकी से जांच करवाई जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यात्रा शुरू करी मैंने तो शुरू करी थी मेवात से। वहाँ उस वक्त में सरसों की खेती पक कर के तैयार हो जाती है और मोस्टली वो इलाका है जो सरसों की खेती पर निर्भर करने वाला है। बावजूद इतना काम के मेवात के अंदर कोई गांव शहर कस्बा ऐसा नहीं था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, विशेष करके वहाँ महिलाओं ने बहुत बड़ा स्वागत किया परिवर्तन यात्रा का। बच्चे, नौजवान, बूढ़े, मतलब जैसे परिवर्तन यात्रा किसी भी गांव से गुजर रही थी, निकल रही थी, किसी गांव में जा रही थी, सड़क के आसपास के जो गांव थे वो भी सड़क के ऊपर आ रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और हमें विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, हम परिवर्तन में आप जो जिम्मेवारी लगाओगे उसको निभाने का काम करें। सर्कल आज सोनीपत में प्रवेश किया, आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा कि हजारों की संख्या में लोग थे, महिलाएं, बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, कितनी बड़ी संख्या में आए थे। इस काम के समय में अगर इतने लोग आते हैं तो फिर मान के चलो इस सरकार से हर कोई दुखी है, परेशान है, वो बदलाव चाहते हैं। आज सरकार नहीं है, आज प्रदेश में लुटेरों का गिरोह है जो दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रहे हैं। मैं आपको पंचायती राज का एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। मैं बहादुरगढ़ हल्के के विधानसभा क्षेत्र के गाँव में था, शाम का वक़्त था, नया गांव है एक बहादुरगढ़ के साथ लगता है, वहाँ के दो सरपंच चुने जाते हैं, दो पंचायतें हैं। मुझे दोनों सरपंच मिले, मैंने उनसे पूछा भी, कुछ सरकार की तरफ से ग्रांट आई, पूछा तो मैंने सब जगह सरपंचों से, मुझे 99% गांव में सरपंच मिले और मैंने उनसे पूछा भी, सब ने कहा कि सरकार ने हमें बहुत जलील किया है, हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार इस सरकार ने किया, समय आने पे हम इस सरकार को उसी तरह का सबक सिखाएंगे, चाहे हमें उसके लिए घर घर में जाकर के लोगों के पैर भी क्यों ना पकड़ने। आज तो ये कहते हैं ना कि हमारी सारी जिला परिषद हमारी है, ब्लॉक समिति हमारी है, ये सब लोग इकट्ठे होकर के इनको धरातल पे ला करके छोड़ देंगे। आज सब लोग मन में ना एक पूरी आंट बांध के बैठे हैं और मौके के इंतजार में कि कब चुनाव होगा, रिवन किया बैम निकालेंगे। सर कल सुनो, मैं जो बता रहा था पंचायती राज का, पंचायती राज के अंदर आजकल ई लाइब्रेरी का काम चला रखा है। एक गांव के अंदर उस गांव का नाम पता करो क्या है, मैं आपको नाम भी उसका बता दूंगा थोड़ी बहुत देर में, मेरे दिमाग से स्लिप होया है। वहां के सरपंच ने बताया कि मेरे गांव में ई लाइब्रेरी का टेंडर हो गया, सरपंच को पता ही नहीं, स्कूल के मास्टर, हेडमास्टर को पता नहीं भी तेरे यहाँ कोई ई लाइब्रेरी बननी है। ई लाइब्रेरी अगर बननी होती है तो गांव के किसी सार्वजनिक जगह पे बनाई जाती है, पंचायत की जगह में कोई मकान जगह दे करके वहाँ मकान बनता है, उस मकान के अंदर बच्चों के बैठने के डेस्क लगते हैं, उसमें फिर कंप्यूटर रखे जाते हैं, फिर उनसे बच्चे कंप्यूटर में जा करके उससे अपनी एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए कंप्यूटर पर सीखता है। वहाँ उन्होंने क्या किया, 17 लाख रुपए का टेंडर किया,
टेंडर दिया टुहाना के एक व्यक्ति को, और वो जो टेंडर जिस ठेकेदार को दिया वो ठेकेदार स्कूल में गया, जाकर के उसने हेडमास्टर से पूछा कोई कमरा खाली है? उसने कहा भी स्टाफ ही नहीं है स्कूल में, तो सारा स्कूल ही खाली है। उसने पूछा कि आप बताओ कैसे है? कहने लगा मैं ठेकेदार हूँ और मैंने ई लाइब्रेरी यहाँ पे स्थापित कर दी है। उसने कहा कि भाई मेरे पास तो किस तरह का सरकार की तरफ से आदेश नहीं है कि यहाँ पे कोई ई लाइब्रेरी बनानी है। उसने कहा कि नहीं, मैंने यहाँ स्कूल में बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी जो है उसको बना के जाना है। उसने सरपंच को इतला कर दिया। सरपंच ने आकर के पूछा भी ये टेंडर हुआ कब? तो कहने लगे टेंडर तो डिपार्टमेंट ने किया है। भाई जिस गांव में ई लाइब्रेरी बननी उस गांव के सरपंच को पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ ई लाइब्रेरी बनेगी, या कोई भी काम है तो सरपंच की निगरानी में होगा। एक तरफ से कहते हो सरपंच की निगरानी में सारे काम होंगे, दूसरी तरफ आप चोर उचक्कों को भेज करके और वहाँ सरकार के पैसे को चूना लगा रहे हो। उसने दो कंप्यूटर रखे वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हो सकती है दो कंप्यूटर की 50,000 रुपये, आजकल इतने सस्ते मिलते हैं कंप्यूटर, क्योंकि अपने लोकल कंप्यूटर बढ़ने लगे, पहले विदेशों से आते थे, अब तो लोकल है। लोकल की कीमत 25,000, 30,000, 40,000, चलो 50,000 कर लो तो 2 लाख रुपये में लगे होंगे। 17 लाख का टेंडर था, 16 लाख रुपया जो है वो ठेकेदार चूना लगाएगा, इसका मतलब ठेकेदार नहीं लगाएगा, वो चुना फिर मंत्री तक लगता है, फिर मिनिस्टर दूत से धुला हुआ नहीं है। इन सब मामलों की जांच होनी चाहिए, ये सरकार में बैठे लोग जांच नहीं कराएंगे, चाहे हम जितना मर्जी जोर लगा लेंगे, लेकिन हमारी जैसी गवर्नमेंट बनेगी हम इन चीज़ों की बहुत बारीकी से जांच कराएंगे, जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर कल हाईकोर्ट से एक फैसला है, वो आया कि ओम प्रकाश चौटाला जी को 2001 SCS भर्ती घोटाले से एक क्लीन चिट है वो मिल गई है, उस पर आपकी क्या? चौटाला साहब ने जितने भी कोई हरियाणा प्रदेश में नौकरी दी, मुझे आप एक भी ऐसा उदाहरण बता दो कि हमारा लगाया हुआ नौकरी एक बच्चा भी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से नौकरी से वापस कर गया। हमने बहुत पारदर्शिता के साथ सबको नौकरियां दी थी, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार बनी, और तो कांग्रेस का कोई जोर था ही नहीं, इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन में, SS बोर्ड में, सब जगह से षड्यंत्र के तहत मुकदमे दर्ज कराए, और मुकदमे दर्ज करा करके लोगों में हमें बदनाम करने का एक प्रयास किया। षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद करा दी, लेकिन आप आज भी देखो उस 10 साल की कैद को अगर आप वकीलों के साथ बैठ करके चर्चा करोगे तो वो बताएंगे कि ये बहुत गलत फैसला हुआ था, सरासर अन्याय था ये। एक तरह से जिस व्यक्ति के खिलाफ एक नए पैसे के लेन देन का मामला ना हो, जिस व्यक्ति के पास ये ना हो भी इन्होंने किसी को सुपारसी भर्ती किया, अगर हमने सुपारसी भर्ती किया होता तो नौकरी से जाते कि नहीं जाते वो, फिर तो उनकी नौकरी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि गलत भर्ती होती है, उनकी तो प्रमोशन हो रही है। और चौटाला साहब को 10 साल की कैद हो गई, कोई गवाही नहीं चौटाला साहब के अगेंस्ट, उसके बावजूद 10 साल की कैद काट के आए, वो षड्यंत्र था। अब जितने भी चौटाला साहब के खिलाफ उस वक़्त में कांग्रेस के वक़्त में जो कोई भी मुकदमे सरकार ने बनाए, उस सारे के सारे मुकदमों में चौटाला साहब को क्लीन चिट मिल चुकी है। सर हरियाणा सरकार ने एक एफिडेविट है वो हाईकोर्ट में जमा करवाया है कि उन्होंने कहा कि DLF डील में वाड्रा ने जो भी फंडिंग की है वो लीगल पाई गई है, उसको लेकर क्या लीगल है? उसके अंदर कोई लीगल नहीं है, वो तो आप ये देखो कि एक कंपनी रातों रात बनाई गई, उस कंपनी के पास अपना पैसा ही नहीं था, चंद रुपए उस कंपनी के अंदर थे और उसको DLF ने ज़मीन दे दी, उसी ज़मीन को वाड्रा ने जो है लाइसेंस लेकर के वापस DLF को बेच दिया और सैकड़ों करोड़ रुपए में बेच दिया। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सरकार के साथ मिले हुए हैं। अब आपको लगता नहीं देश के प्रधानमंत्री से हुड्डा साहब की जब मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद ये फैसला आना, ये एफिडेविट जाना क्या दर्शाता है? ये सरकार की हुड्डा की आपस में मिली भगत है कि नहीं है? हर हालत में ऊपर से इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री को गई होगी और मुख्यमंत्री ने उठा करके एफिडेविट फाइल करवा दिया। ऐसी जो चीज़ें हैं इनको हम आगे चैलेंज करेंगे दोबारा,
हम इस तरह से प्रदेश को किसी को नहीं लूटने देंगे। अगर इनमें 100% चौटाला साहब को सजा इसी बात की हुई थी, आपको ध्यान होगा, चौटाला साहब ने इस इशू को बहुत जोर से उठाया था और उसी वक्त चौटाला साहब के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया। सर, प्राहौर गांव में कल परशुराम जयंती है वो बनाई जानी थी, लेकिन वहां पर नवीन जैन को सरकार ने नोटिस है वो दे दिया, वहां पर परशुराम जयंती मनाने से मना किया जा रहा है। किसी को भी किसी भी भगवान की अपने की जयंती मनाने की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये मान के चलो कि अगर कोई इस तरह की पाबंदी लगाई है नवीन जैन पे तो सरकार डरी हुई है। किस चीज़ का डर है सरकार को? अगर मैं अपने भगवान की कहीं कोई मूर्ति स्थापना करता हूँ, मैं उसकी जयंती मनाता हूँ, मुझे कैसे रोक देंगे? क्या तरीका है? मतलब ये मनाए तो हिंदू भगवान इनका, और हम मनाए तो हमारे ऊपर पाबंदी है, सरासर गलत। सर, महिला आयोग की चेयरमैन ने एक विवादित बयान है वो दिया कि ओयो में लड़कियां हैं वो अनुमान चर्चा नहीं जाती है और ना ही भजन करने जाती है, उस बयान में। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि हमारी महिला आयोग की चेयरमैन जो है वो ऐसे बयान देती है। सरकार को किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करने से पहले उसके करेक्टर की वेरिफिकेशन जरूर करनी चाहिए। ऐसा बयान अगर एक महिला आयोग की चेयरमैन देती है तो बहुत अशोभनीय है। आजकल के बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं वो दो दोस्तों की तरह रहते हैं, बहन भाई में। बहन भाई का रिश्ता जो है वो भी दोस्तों जैसा हो गया आजकल। आजकल वो एजुकेशन क्यों शुरू की गई? इसलिए की गई कि बच्चे जैसे बड़े हों तो उनमें अच्छी जागृति पैदा हो, अच्छे संस्कार आए, माँ बाप से खुल करके बच्चे बात कर सकें, बता सकें। अगर वो बच्चे कहीं होटल में रेस्टोरेंट में अगर लंच करने चले गए, अगर कोई टी ब्रेक करने चले गए, टी लेने के लिए चले गए, अगर कोई ब्रेकफास्ट में चले गए तो क्या गलत है? ये कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अगर किसी लड़की के साथ कोई गलत करता है तो फिर सरकार की जिम्मेवारी है, अगर कंप्लेंट आती है तो जिस किसी ने गलत किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। ये बयान देना, मैंने भी उसका बयान पढ़ा था, मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि किस तरह की औरत को महिला आयोग की चेयरमैन बना दी। ऐसी औरत को तो एक मिनट में ही ऐसे पद से हटा देना चाहिए जो हमारी बेटियों के बारे में इस किस्म की भाषा का प्रयोग करती है। शायद मिसिज भाटिया की अपनी बेटी नहीं होगी इसलिए इस तरह की बात कर रही है। सर, सत्यपाल मलिक जी का भी पुलवामा हमले को लेकर बयान आया था, उस पर कृषि मंत्री जेपी दयाल ने टिप्पणी की है कि बुजुर्ग हो चुके हैं सत्यपाल मलिक जी और अपनी उंगली कटवाकर शहीद होना चाहते हैं। वही उंगली कटा करके शहीद नहीं होना चाहता। सत्यपाल की मलिक की खबर को मीडिया से इन्होंने बीजेपी वालों ने सब जगह से डिलीट करा रखा है। आप कहीं पर भी मुझे दिखा दो जो सत्यपाल मलिक ने कहा है आज की तारीख में सोशल मीडिया पर आपको दिख रहे हैं, कहीं मीडिया में उसका चर्चा है क्या? किस तरह से तानाशाह तरीके से प्रजातंत्र में सही कही हुई बात को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जेपी दलाल जो ये कहता है शायद उसकी अपनी प्रवृत्ति ऐसी होगी जो सतपाल मलिक जैसे व्यक्ति पे इस तरह की टिप्पणी करता है। ये छोटी सोच के लोग हैं। अब जी, जिस तरह से 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, हरियाणा की बीजेपी के मुख्यमंत्री गांव-गांव जाकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको किस तरह? गांव-गांव में जा रहे हैं यार, आप भी कमाल कर रहे हो। मुख्यमंत्री जाता है, लोगों को बेइज्जत करता है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहले बकायदा तौर पे पास बनाए जाते हैं। अगर आप भी जाना चाहते हो तो आपका पास नहीं होगा तो आप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जा सकते। ये मुख्यमंत्री के कार्यक्रम नहीं है, ये तो ये मान के चलो सिर्फ दिखावा है। अगर मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के बीच में जाए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जाते थे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत, और जब वो जाते थे हजारों लोग आकर के अपनी बात उनके सामने रखते थे, किसी पे कोई पाबंदी नहीं थी, कोई पास नहीं था, कोई कार्ड नहीं था। अब तो एक एक की छानबीन होती है, पहले तलाशी ली जाती है अच्छी तरह से भी इसके पास कुछ है तो नहीं, उनके हाथ चेक किए जाते हैं, काला तो नहीं कर रखे, कहीं मुंह काला ना कर दे किसी का, इन बातों से डर कर पास बना करके एक एक को आइडेंटिफाई करके फिर जाने दिया। ये तो हमारे लोगों को ये मान के चलो अपमानित करने का काम कर रहा है। वहाँ लोगों के लिए कोई ये नहीं है कि कोई लोगों की सुनने जा रहे हैं।
लोगों को बेइज्जत करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है कि अधिकारी काम नहीं करते, उनकी नहीं सुनते। अधिकारी काम नहीं करते, गृह मंत्री की बेचारे की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए चिट्ठी लिखी है। फेडअप हो गया, दुखी हो गया, जब मीटिंग में गया, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे के आया, वो अपनी सीट पर बैठ करके फिर उसी तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसी तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, क्योंकि महकमा वो दुष्यंत के पास है और दुष्यंत अपने लोगों को इसलिए प्रोटेक्ट करता है कि उनसे सीधा पैसा लेता है। अब इसलिए दुखी होकर के उसने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी कि भाई मेरे आदेश की पालना ही नहीं हो रही, तो फिर मैं उस डिस्ट्रिक्ट में जा करके ग्रीवेंसेस क्या सुनूंगा लोगों की। अगर मैं ग्रीवेंसेस सुनूँ किसी की और मैं किसी को दोषी समझता हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश देता हूँ, तो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, उस डिपार्टमेंट को तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ हैं, ये तो दोनों जो ग्रुप है बीजेपी और जेजेपी, ये तो आपस में लूट में जो है अब हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, इसमें हिस्सा भी होना चाहिए।